ये सबसे ऊंचा मुसल्ला है पूरी दुनिया में, और यहाँ पे जमात के साथ 520 लोग एक टाइम पे नमाज पढ़ सकते हैं। मक्का है और भीड़ देखिए आप रमजान की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आपको दिखाता हूँ आज कहाँ जा रहा हूँ। चलिए, आज का प्लान इस तरह है कि हम जाने वाले हैं एड्रेस जबले उमर, यहाँ का सबसे ऊंचा स्काई मुसल्ला है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। फिर उसके बाद हम इफ्तारी करेंगे हरम में, और हरम में इफ्तारी करने के बाद ईशा और तरावी भी यहीं पढ़ेंगे। फिर सुबह में मेरा मन है कि फजर की नमाज़ मैं काबा के सामने पढूं। कल मैंने पढ़ी थी, कल मैंने शूट नहीं किया। और सुबह की नमाज, फजर की नमाज जो काबे के सामने, ओहो हो हो, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि किस तरह का मनाजर थे वो। और इतना अच्छा लगा, सुकून मिला, तवाफ़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा था कल। यहाँ पे देखिए किस तरह से, मतलब दोपहर के टाइम, असर का टाइम है ये, असर के टाइम देखिए कितनी भीड़ है माशाल्लाह। ने ज़मीन पे ही नमाज़ पढ़ी है, देखिए ज़मीन पे नमाज़ पढ़ने का मज़ा ही अलग है माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा रश है असर के टाइम, इतना रश माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। मतलब इतनी धूप में, रोज़े में जो हाजी हैं वो इतना ज़्यादा चल रहे हैं। मैं तो उन लोगों को सैल्यूट करता हूँ जो लोग रोज़े की हालत में इतनी धूप में तवाफ़ करते हैं, वो भी काबे के सामने अहराम पहन के। बिकॉज़ अगर मैं ये चीज़ करना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। सैल्यूट है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। बट हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि अपनी जानों पे जुल्म ना करो, राइट? अगर आपके पास चांस है, क्योंकि कैसा है ना, रात के वक्त ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। सुबह फजर के टाइम तवाफ़ कर सकते हो, रात को 2-3 बजे तवाफ़ कर सकते हो, बिल्कुल भीड़ नहीं होती है, हम वैसे ही करते हैं। और ठंडा मौसम होता है तो इट विल गोना हेल्प यू अलॉट। तो ये लोग इफ्तारी के लिए पहले ही बैठ जाते हैं यहाँ पे, सो दैट इफ्तारी यहाँ पे हो सके। क्योंकि कैसा है ना, मगरिब के टाइम टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आपको बहुत दूर चलना पड़ता है और हरम बहुत बड़ा है माशाल्लाह। तो इसलिए जो लाइक एज्ड लोग हैं वो यहीं पे बैठ जाते हैं, हरम सामने ही है तो यहीं पे बैठ के वो इफ्तारी करते हैं माशाल्लाह। वो सामने देखिए, वहाँ पे देखिए लोग, कितने लोग आ रहे हैं ऊपर से तवाफ़ करके माशाल्लाह। ओहो हो हो, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ये तो मैं आपको अभी व्यू दिखाऊंगा ऊपर से स्काई मुसल्ला से। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम अभी क्लॉक टावर के बीच में से कट मार के जा रहा हूँ मैं अभी। बहुत ज़्यादा रश है भाई, बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो लास्ट 10 डेज़ भी नहीं चल रहे, लास्ट 10 डेज़ में देखो, लास्ट टाइम हम यहीं पे रुके थे क्लॉक टावर में ऊपर तुर्की भाई के साथ। तो गाइस, बहुत सारे लोग तुर्की भाई के बारे में पूछ रहे हैं, तो तुर्की भाई इज़ नॉट अवेलेबल, ही इज़ बिज़ी समवेयर। ये देखिए यहाँ पे भीड़ है, सब जगह भीड़ ही है भाई, हमें अभी बहुत दूर जाना है। तो जी, क्लॉक टावर में एंटर कर रहे हैं। किसी ने बताया हमें कि यहाँ से शॉर्टकट है हमारे होटल का, तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे, सीधा जाके वहाँ से राइट मारना है, फिर नीचे जाना है, ऐसा कुछ अरबी में वो बता रहे थे। सो ही है भाई हमारी कम्युनिकेशन। चलो जी, नीचे जाना है अभी यहाँ से। यहाँ पे बिंदाउद शॉपिंग मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है, आमिर भाई ने भी बताया था कि बिंदाउद बहुत फेमस शॉपिंग, एक मॉल टाइप होता है, वहाँ से आप कुछ भी शॉप कर सकते हो, कपड़े, खाने पीने का सामान, सारी चीज़ें। ये देखिए यहाँ पे पूरे लाइक पानी की बौछार हो रही है, लैंप के काम भी कर, लैंप भी लगे हुए हैं और पानी के फुहारे भी लगे हुए हैं माशाल्लाह। हमें जाना है इस होटल में, ये है जबले उमर कॉन्रेड, और इस होटल के मॉल में जाना है, कॉन्रेड मॉल, और फिर वहाँ से हमें लेनी है बस, बस लेके हमें जाना है एड्रेस होटल, और फिर वहाँ पे हमें कोई रिसीव करने आएगा, फिर वो हमें लेके जाएगा ऊपर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मसला, ऐसे जा नहीं सकते हैं। किसी ने मेरी हेल्प की है, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे। तो अभी जहाँ हम खड़े हैं ये कम से कम 4-5 फ्लोर ऊपर है, आप देखिए नीचे हरम सामने, नीचे इतना देखो कितना नीचे है हरम। वहाँ पे आएगी बस, और वो बस में बैठ के हमने जाना है एड्रेस होटल। हमारी बस आ गई है और ये बस में बैठ के जाना है। यहाँ पे सब शटल सर्विस चलती है, यहाँ पे मक्का के लिए उतारती है, और फिर यहाँ से आपको नीचे जाना होता है हरम में, होटल से यहाँ पे ये स्टॉप है सारे 5-स्टार होटल्स का, यहीं पे उतारती है। लेट्स गो, बैठ गए भाईजान।
ये एंट्रेंस है होटल की माशाल्लाह। होटल तो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो गाइज़ अभी जमील भाई हैं यहाँ पे कोई, तो उन्होंने मुझे एक हेल्प की है, किसी को भेजा है यहाँ पे मुझे साथ में ले जाने के लिए। तो हम अभी स्काई मसल्ला की तरफ जा रहे हैं। तो होटल बहुत प्यारा है माशाल्लाह। ओके, दिस इज़ 36th फ्लोर। लो जी, यहाँ से भी एंट्री हो रही है। ओके, सो ये एंट्रेंस है माशाल्लाह। चलिए देखते हैं, आई एम एक्साइटेड टू वॉच। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये 38 फ्लोर की बिल्डिंग है और 36 फ्लोर पे दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान एक ब्रिज है जो एक मस्जिद है जिसको स्काई मुसल्ला भी बोला जाता है। और वहाँ पे जो नमाज है वो हरम के साथ ही पढ़ाई जाती है माशाल्लाह। और ये जो मस्जिद है, ये जो ब्रिज है, ये जो मुसल्ला है, ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया माशाल्लाह तबारकल्ला। एंड ये सबसे ऊंचा मुसल्ला है पूरी दुनिया में। और यहाँ पे जमात के साथ 520 लोग एक टाइम पे नमाज पढ़ सकते हैं माशाल्लाह तबारकल्ला। और इस हैंगिंग ब्रिज से एक तरफ से तो आपको हरम व्यू दिखता है माशाल्लाह, बहुत प्यारा हरम व्यू दिखता है। और पीछे से आपको मक्के का पूरा शहर दिखता है माशाल्लाह। एक और बेहतरीन बात है इस स्काई मुसल्ला में कि यहाँ पे पार्टीशन है माशाल्लाह, औरतों का और मर्दों का, हाफ हाफ डिवाइडेड है पूरा ब्रिज। सो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ये स्पेस है जहाँ पे जो नाइट व्यू है माशाल्लाह बहुत प्यारा होता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे मस्जिद अल हरम के साथ यहाँ पे नमाज़ होती है माशाल्लाह। जैसे ही वहाँ पे नमाज़ होती है वैसे ही यहाँ पे होती है, यहाँ पे पूरी जमात बनती है। और ये बकायदा प्रेयर रूम है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है, ना तू बन सका ना बना सका। हमें अभी रूम भी दिखाने वाले हैं माशाल्लाह, यहाँ के बेस्ट रूम्स। तो हम जायज़ा लेंगे रूम्स का, रूम्स कैसे हैं यहाँ पे। और 36 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द रूम्स और स्काई व्यूज़। लो जी, अभी हम आए हैं पेंट हाउस एड्रेस होटल का पेंट हाउस देखने। उसका प्राइस भी पूछेंगे इनसे, वो भी ज़रूरी है। लो जी, ये है पेंट हाउस एड्रेस होटल का। एंट्रेंस होते ही यहाँ पे एक लिफ्ट भी है बिकॉज दिस इज़ 2 फ्लोर्स। यहाँ पे लॉबी है माशाल्लाह, किचन फुल्ली, मतलब एक तरह से फ्लैट है, घर है एक तरह से यहाँ पे आपके लिए एक दिन के लिए। एंड देन यहाँ पे वॉशरूम है जो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे डाइनिंग रूम है। एंड देन ये है लिविंग एरिया, मतलब यहाँ पे हर चीज़ है। और लिविंग एरिया के साथ आपको व्यू दिखाता हूँ, ज़बरदस्त माशाल्लाह। लिविंग एरिया के साथ मक्का दिख रहा है, ज़बरदस्त। और ये दूसरा लिविंग एरिया है, एक इस साइड में था, यहाँ पे है एक, और एक इस साइड में है। मतलब दो दो लिविंग एरियाज़ हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ से दोनों लिविंग एरिया से व्यू दिखता है मस्जिद अल हरम का, मक्का का। एंड हाँ, यहाँ से भी बाहर जा सकते हैं। एंड ये हो गया फर्स्ट फ्लोर। एंड दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर, राइट? दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर। चलो जी, अभी जाना है ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। एक और आ गया भाई, ये देखो। यहाँ पे एक और लिविंग रूम है जहाँ पे टीवी देख सकता है बंदा तो यहाँ पे अपनी फैमिली के, अपने पूरे ख़ानदान को लेके आ सकता है। तो लो जी, यहाँ पे दो बेड्स आ गए। और यहाँ से भी एक अच्छा बेहतरीन व्यू है, ओह ज़बरदस्त। और इस साइड क्या है ये देखना है अभी। आई थिंक दिस इज़ द मास्टर बेडरूम, माशाल्लाह तबारकल्ला।
यहाँ से भी सेम वही व्यू दिखता है। बेडरूम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ह्यूज है, और ये है थर्ड बेडरूम। दिस इज़ द बिगेस्ट बेडरूम आई थिंक सो। तो लो जी, ये सबसे बड़ा बेडरूम है, सॉरी मेरी गलती हो गई, ये वाला सबसे बड़ा बेडरूम है माशाल्लाह। ओहो, और यहाँ से दिखता है व्यू, माशाल्लाह तबारकल्ला। गाइस, ये था पेंट हाउस ऑफ एड्रेस होटल, एड्रेस जबले उमर। और आप नीचे देखिए, यहाँ पे ये है जो आपको ये गोल गोल दिख रहा है ना, ये हेलीपैड है, और सामने मक्का है। और भीड़ देखिए आप, रमज़ान की पैर रखने के लिए जगह नहीं है, माशाल्लाह तबारकल्ला। और काबा, अल्लाहु अकबर। और ऊपर भी हो रहा है, देखिए टेरेस पे भी तवाफ़ हो रहा है, फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और फिर नीचे सब जगह तवाफ़ हो रहा है। उन लोगों को सल्यूट है जो लोग धूप में तवाफ़ करते हैं। वो ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ, जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है, क्यों नहीं देखता इस जहान में, हर शैला में है दूद है, जब उठी निगाह तो झुक गई, ये मामला कोई और है, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो लो जी, ये था पेंट हाउस। और अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट जी। ये रेस्टोरेंट है एड्रेस होटल का, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा रेस्टोरेंट है। सो गाइज़, यहाँ पे अभी रोज़ा है हमारा, और ये हमें इतना बेहतरीन खाना दिखा रहे हैं जो इन्होंने बनाया हुआ है, माशाल्लाह देखिए। ओहो, चिकन टिक्के, शौरमा और मच्छी भी है माशाल्लाह। और यहाँ पे आप लाइव काउंटर भी है, जो आपको चाहिए वो बना के दे सकते हैं। और बैठने की जगह भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है यहाँ पे। यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाता है, मतलब दोनों जगह पे, दोनों नहीं एक्चुअली, वो एक जगह है, ये दूसरी जगह है, और ये वाली है तीसरी जगह। तो ये तीनों जगह पे अलग अलग सिटिंग एरियाज़ हैं, एंड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। चलो जी, दूसरा वाला। सते है जुदा जुदा, ये मामला कोई और है, क्यों शिर्क में है तू फंसा हुआ, क्यों दूर से तू दूर है, क्यों घूमता है यहाँ वहाँ, नहीं ला कोई और है, जो पढ़ा दिया इंसान को रहमान है। गाइस, एड्रेस होटल वालों ने हमें इनवाइट किया है, भाई ने भी, यहाँ पे इफ्तार करने के लिए इनविटेशन मिला है यहाँ से, माशाल्लाह। वी गोना डू इफ्तार टुगेदर, एंड ही इज़ वेरी शाई, सो ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, बट या ही इज़ वेरी हेल्पफुल। ये भाई ने मेरी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाई माशाल्लाह, और हम यहाँ पे इफ्तारी करेंगे, इफ्तारी करके फिर नीचे जाएंगे मस्जिद अल हरम में, और वहाँ पे जाके तरावी और ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है जी। पूछ रहे हैं बैठना कहाँ है, तो कहीं भी बैठ जाएंगे यार, उसमें क्या है। वेर एवर इज़ अ गुड प्लेस विल सिट देयर। Yeah, that's a good place, brother. I think this is a best place. Here we can sit. MashaAllah. Yeah. So, MashaAllah, yahan pe khajoor padi hai iftari ke liye. Aur azan, we can hear azan here, right? Yeah, we can hear it. All over the hotel. Yeah, yeah. MashaAllah. So, mara bhai thoda sa shy feel kar raha hai. But theek hai. All good? Yeah, yeah. Good. Abhi khana lenge yahan se, aur khana leke fir aapko dikhate hain kya kya khana liya hai. Lo ji, humne hamara khana taiyar kar liya hai. और टाइम अभी आई थिंक बहुत कम बाकी है, एंड शौरबा लिया हमने, चावल लिए हैं, समोसे लिए हैं चीज़ के, मीट का ये रोल लिया है, मेयोनीज़ ली है, और ये चीज़ पोटैटो है, वेजिटेबल्स हैं, बीट रूट का जूस है, और पानी है। और इसके बाद हम थोड़ा सा मीठा भी लेंगे इंशाल्लाह, मीठा भी इनके पास बहुत वेराइटीज़ हैं। अज़ान हो गई है, खजूर माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। जी, नमाज के लिए यहाँ पे जाना है,
तो फिर नमाज के लिए जाऊँगा मगरिब की, जबकि नमाज यहाँ पे होगी है माशाल्लाह। आज बहुत ब्यूटीफुल व्यू है सब। अल्लाहु अकबर। लो जी अभी बाहर आ चुके हैं माशाल्लाह। इतनी ज़बरदस्त भीड़ है ना भाई, इतना रश है क्योंकि नमाज़ पढ़ के सारे अभी अफ्तारी करने के लिए, अच्छे से डिनर वगैरह करने के लिए बाहर जा रहे हैं और ईशा से पहले वापस आएंगे अंदर, तो इसलिए हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि हमने तो थोड़ा बहुत खा लिया, अभी रात में खाएंगे आमिर भाई के साथ अच्छे से। तो इससे तरावी पढ़ने जा रहा हूँ मैं, पहले ही बैठ जाते हैं ना जाके ईशा के लिए, फिर उसके बाद तरावी भी वहीं पर पढ़ लेंगे। तो अभी 7 बज रहे हैं, 8, 9, 10 तीन घंटे अभी अंदर हरम में बिताने हैं इबादत में इंशाअल्लाह। तो अभी हम यहाँ पे थे, ये वाला जो होटल दिख रहा है आपको, ये होटल में थे हम, तो वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी है वो बीच में, और अभी हम हरम में जाएंगे माशाल्लाह। आपको हरम भी दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो हम अभी यहाँ पे जा रहे हैं, गेट नंबर 66 बहुत मुश्किल से मिला इतना घूम घूम के, माशाल्लाह तबारकल्ला। ये है न्यू एक्सटेंशन ऑफ मस्जिद माशाल्लाह। और आप सबसे दरख्वास्त है अगर जब भी आप यहाँ पे आएँ तो फ़ोटोज़ में वीडियोज़ में इतना ना खो जाएं कि इबादत को भूल जाएं, बिकॉज़ मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटोज़ वीडियोज़ काबा के सामने, काबा के पीछे मस्जिदुल नबवी के वहाँ पे भी, क्योंकि देखो मेरा जो काम है ना वो अलग है। अभी आप सब बोलोगे आप भी तो कर ही रहे हो, बट मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अलग चीज़ है और मेरी इबादत बहुत अलग है, और ये जो काम है जो ये कर रहा हूँ ये आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ राइट, और इससे मैं अजर कमा रहा हूँ क्योंकि आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं ऐसी शो ऑफ के लिए फ़ोटोज़ नहीं डालने वाला। लो जी आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकअल्लाह खैर।